एक और छोटा सा केस है, और मैंने आपसे कहा कि ये सिर्फ लड़कों में ही सीमित नहीं है, कि लड़के इसके विक्टिम नहीं है, लड़कियां भी हैं। एक केस यहाँ पर आई थिंक यारमाउथ बाहर की कंट्री, वहां पे 12 साल की एक लड़की थी जो कि सेक्सटोर्शन की विक्टिम हुई। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर तो ये केस निकल के आ गया, और एक और बैंगलोर में एक केस था बिजनेसमैन के साथ जो कि 54 साल के थे, वो भी सेक्सटोर्शन में फंस गए थे, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, फाइनली उन्होंने पुलिस को बताया, तब जाके वहां से बाहर निकले। एक और बात आपको बताता हूं, हम जब यहां पर सेक्स के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, इसको टैबू मानते, तो सेक्सटोर्शन तो दूर की बात है, इसके बारे में कोई बात कर ले। और अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा हो तो हम लोग उसे सहते रहते हैं, बड़ी अजीब सी बात है, और उसके बारे में लोगों को बताते ही नहीं है। और मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, बहुत सारे इंडिया में अभी भी हो रहे होंगे, अभी भी दुनिया के किसी कोने में, इंडिया के किसी कोने में कोई किसी को सेक्सटोर्शन से ब्लैकमेल कर रहा होगा, और वो ब्लैकमेल हो रहा होगा, पैसे दे रहा होगा।